उर्मिला जी, यही वो चारों विद्यार्थी हैं जो कल रात एक साथ पाए गए। तो आप दोनों लड़कियां इतनी रात को इन लड़कों के साथ में क्लासरूम में कर क्या रही थी? वो मैम, मैं अपनी मर्जी से इनके साथ क्लासरूम में नहीं गई थी। What do you mean, अपनी मर्जी से क्लासरूम में नहीं गई थी? वो मैम, I ask you a question. मैम, trust me. मैं सच बोल रही हूँ। You want me to believe you? ये बॉयज का मैं समझ सकती हूँ, उनकी मूवी नाइट थी, ये लोग अपने डॉर्म से बाहर थे, पर तुम दोनों लड़कियाँ डॉर्म के बाहर कर क्या रही थी? मैम, आज मेरा बर्थडे है और हम सब गर्ल्स मिलके मेरे बर्थडे पार्टी का ब्रिंग इन कर रहे थे, और पार्टी के बाद सारी लड़कियाँ डॉर्म रूम वापस चली गई, सिर्फ सियाली और मैं वहाँ पर रह गए थे। मिस कामिनी, आप ये सुन रही है ना, आपके सुपरविजन में मिडनाइट बर्थडे पार्टीज हो रही है, वाओ, और आपको खबर तक नहीं है। तो सिमी, अगर तुम दोनों पीछे रह गई थी तो बॉयज के साथ में क्लासरूम में क्या कर रही थी? मैम, वो रोहित मुझे वहां लेके गया था। मैम, मैं झूठ बोल रही हूँ। हम लोग तो मूवी देखने के बाद सीधा डॉर्म रूम में जा रहे थे, पर इस सिमी ने कहा कि इसे मेरी मदद की जरूरत है और यही मुझे क्लासरूम तक लेके गई। मैम, इस बात का कोई जवाब है आपके पास? वैसे भी तुम लोग रात को रूल्स को ब्रेक करते हुए डॉर्म के बाहर मिले हो, तो जो रोहित बोल रहा है वही सच होगा, राइट? व्हाट, से समथिंग। यू गर्ल्स रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ इमेज यू आर क्रिएटिंग फॉर योरसेल्फ? हाँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे। तू मेरी बेस्ट है ना, तो तू प्रिंसिपल मैम को नहीं बताएगी? तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैम, ये लड़का झूठ बोल रहा है। So explain to me what's the story? मैम, ये सच है कि हम गर्ल्स ने रूल्स के अगेंस्ट एक बर्थडे पार्टी की थी, और उस पार्टी में किसान और उसके दोस्तों ने मेरे पे एक प्रैंक भी खेली। उसके बाद जब मैं क्लासरूम से बाहर गई तो मुझे अंदर से सिमी की चिल्लाने की आवाज आई। पागल हो गई हो, क्या तरीका था? सिर्फ मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, और जब मैं अंदर पहुंची तो सिमी ने बताया कि रोहित उसे वहां ले गया था क्लासरूम में। ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे थे तुम? उसी को, एंड ही वाज ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट विद हर। मैं झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, तो अगर ये झूठ है तो मुझे ये बात बताओ कि तुम इतनी लेट तक बाहर क्या कर रहे थे? तुम्हारी मूवी तो 11 बजे खत्म हुई थी ना, तो फिर अपने डॉर्म में जाते जाते 12 क्यों बज गए थे? तो रोहित, तुम कर क्या रहे थे इतनी रात को? मैम, एक्चुअली लड़के अपने डॉर्म से वापस गए ही नहीं, ये लोग सब मिलकर एवी रूम में गंदी फिल्में देख रहे थे। गंदी फिल्में? यू मीन टू से एवी रूम में एक्स रेटेड फिल्म देख रहे थे? मिस्टर कार्तिक, आपको यहाँ किस लिए बुलाया गया? टू टेक केयर ऑफ द बॉयज। आप कर क्या रहे थे? I want all the students who were not in the dorm in my cabin right now. I'm sorry, Utkarsh. मैंने आज पहली बार तेरी बात नहीं मानी है, पर मैं क्या करती?
यहाँ एक लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे थे, मैं ऐसा कैसे होने देती, प्लीज मुझे माफ कर देना। नीति और पार्थ के अलावा सभी लोग अंदर चलिए। तो कहीं साइड में कुछ मैम को कुछ कहा तो नहीं? नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, उसने मुझे प्रॉमिस किया है वो मैम को कुछ नहीं बताएगी। पक्का? पक्का। अच्छा है कि सियानी अंदर है, वो पक्का सब संभाल लेगी। सही करिए नीति, सियाली को सिर्फ सबका ही साथ देना चाहिए और वैसा करेगी भी। तो सियाली के अकॉर्डिंग कल रात को आप लोग 11 बजे के बाद एवी रूम में एक्स-रेटेड फिल्म देखेंगे, राइट? आई डोंट बिलीव दिस कि मेरे स्कूल में ये सब कुछ चल रहा है। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड बाय यू ऑल। And girls, boys के साथ साथ में तुम लोग ने भी रूल्स को ब्रेक किया। और किसकी परमिशन से तुम लोग मिडनाइट में बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे? हाँ? आज तक वॉरियर हाई में किसी ने इतनी डिस्गस्टिंग हरकत नहीं की है। तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? How dare you all? This is Warrior High. And we have set some standards in our country. और तुम लोग ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए हो? Shame on you. मैम, वो Shut up! और तुम लोगों ने क्या सोचा? तुम लोग वॉरियर हाई में ऐसी disgusting हरकत करके बच जाओगे? You guys are going to get harsh punishment for this, which you, I'm sure, will never forget. I'm going to also make sure ki aap logo ke parents ko aapki harkat ke bare mein inform kiya jaye. Agle 2 hafte tak no sports period for you all. And not just this, for the next 2 weeks corridor se lekar classroom tak safai aap log karenge. And trust me, जिसने भी इस पनिशमेंट से बचने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मैं खुद एक्शन लूंगी। You may leave now.